देखते रहिए साप्ताहिक राशि भविष्य। जय जीवधानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूँ। पिछली बार मैं वीडियो लेकर आई थी साप्ताहिक राशि भविष्य का और आपके प्रतिसाद से बहुत आनंद हुआ। दोस्तों, समय की कमी के कारण हमेशा वीडियो ले आना साप्ताहिक राशि भविष्य का मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन जब जब आपसे मिलने का दिल करेगा मुझे, मैं तब तब बीच बीच में आपके लिए वीडियो के साथ उपस्थित हो जाऊंगी। साप्ताहिक राशि भविष्य और इस सप्ताह में होने वाली घटनाएं बताने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/beautywithastrology। सब्सक्राइब करने पर बेल बटन पॉपअप होकर ऊपर आएगा, बेल बटन पर क्लिक करने से ये चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आपको समय समय पर सबसे पहले मेरे चैनल की जानकारियाँ मिलती रहेंगी। एक और हाथ जोड़ के निवेदन है आप सभी से कि मेरे और दो यूट्यूब चैनल हैं, जिसमें से एक है YouTube/कामिनी खन्ना म्यूज़िक। मैं बचपन से राइटर म्यूज़िक डायरेक्टर रही हूँ, आज तक कार्यरत हूँ, इसलिए आपके लिए ले आई हूँ तरह तरह का संगीत। आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही YouTube/कमाना खाना ये भी मेरा चैनल है। मैंने अपना 40 किलो वज़न घटाया है और मैं चाहती हूँ कि इसका लाभ सभी उठाएं कि मैंने अपना वज़न कैसे घटाया। तो आप लोगों को मैं डाइट रेसिपीज़ इस चैनल के ज़रिए सिखाती रहूँगी और साथ ही साथ चटपटे खाने भी, क्योंकि कभी कभी चटपटा तो बनता है। तो चलिए इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का आनंद लें। तारीख 28 जुलाई 2019 से लेकर तारीख 4 अगस्त 2019 तक का साप्ताहिक राशि भविष्य है ये। और तारीख 28 को वृषभ में है चंद्रमा, मतलब उच्च के चंद्रमा है अहोरात्र, और इसी दिन कामिका एकादशी है, बुध उदय हो जाएंगे इसी दिन। 29 तारीख को सोम प्रदोष है, वैसे भी सावन चल रहा है उत्तर प्रदेश में, तो ये सोम प्रदोष एंजॉय कीजिए। बच्चों के लिए ये व्रत किया जाता है सोमवार के दिन, जो प्रदोष का व्रत पड़ता है उसे सोम प्रदोष कहा जाता है। और सोम प्रदोष के दिन बच्चों की भलाई के लिए माता पिता ये व्रत रखते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं। 30 तारीख को मासिक शिवरात्रि है, तो सावन के इस मासिक शिवरात्रि का भी आनंद उठाइएगा शिव पूजन करके। मैंने अपने चैनल कामिनी खन्ना म्यूज़िक पर शिव पूजन विधिवत डाला हुआ है और तरह तरह का संगीत भी है, नीलकंठ बैरागी, बम बम भोले, ओम नमः शिवाय के जाप, त्रयंबकम यजामहे के जाप, जो आप शेयर कर सकते हैं, कॉलर ट्यून लगा सकते हैं। तारीख 30 को ही बुध वक्री होके मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 31 को है दर्श अमावस्या, जिसे महाराष्ट्र में गटारी अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन महाराष्ट्रियंस के लास्ट दिन होते हैं नॉनवेज खाने के लिए, क्योंकि दूसरे दिन से फिर श्रावण महाराष्ट्र में शुरू हो जाता है। इसी दिन अमावस्या सुबह 11:57 के बाद लग जाएगी। तारीख 1 अगस्त को बुध मार्गी हो रहे हैं, गुरु पुष्यामृत योग है सुबह 12:11 के बाद। तो इन दिनों शुक्र अस्त चल रहा है, तो जिन लोगों को कोई घाई गर्दी में या ऐसे कोई काम जो नहीं रोक सकते और वो मुहूर्त करने ही हैं, तो आप इस दिन सुबह 12:11 तक वो मुहूर्त निपटा सकते हैं। 2 तारीख को बुध कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे देर रात को। तो बुध का उदय होना, बुध का मार्गी होना, 2 दिन के लिए वक्री होना और फिर से बुध का कर्क में प्रवेश करना, ये इस सप्ताह की विशेषता है। 3 तारीख को मधुस्रवा तीज है, तो हमारे जो गृहिणियाँ होती हैं वो तीज का व्रत रखती हैं। सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में
दोपहर 3:17 को प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य के बुध के नक्षत्र में आ जाने के कारण पहले से स्थितियां काफ़ी सुधरेंगी सिंह राशि के लिए और अन्य राशियों वालों के लिए भी। 4 तारीख को विनायक चतुर्थी है और उपवास है दुर्वा गणपति व्रत का, आदित्य पूजन है। तो ये सावन में घटित होने वाले कुछ त्यौहार हैं जो आपको एंजॉय करने हैं। अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहने से, इंसान मिट्टी के साथ जुड़े रहने से हमेशा एंजॉय करता है अपनी धरती को। आइए चलिए मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य अभी बताती हूँ। आज के दिन चंद्रमा वृषभ राशि में बने हुए हैं, अहोरात्र उच्च के चंद्रमा और बुध की उलाढाल बहुत है। चलिए जानते हैं मेष राशि। मेष राशि के लिए उच्च के चंद्रमा आज के दिन आपके लिए धन लाभ लाए, परिवार में खुशी, वाणी में ओज और परिवार में उत्साह उमंग के कारण आपके विवाहित जीवन में भी सुख शांति महसूस हुई आपको। तृतीय में बैठा राहु आपका पराक्रम जस का तस बनाए हैं, आपको ऑफर्स आते हैं काम के, आप उसको ग्रैब करें और ये स्थिति आगे चल के अगले सालों में अच्छी रहेगी। और जो चतुर्ग्रही योग बन रहा है आपके चतुर्थ स्थान में, उसमें से बुध महाराज 2 दिन निकल के मिथुन में आएंगे, तो उन 2 दिनों में अगर शुभ यात्राएं करनी है आपको, कुछ काम निपटाने हैं आपके विद इन इंडिया जाकर, तो वो आप कर सकते हैं। आपके भाई बहनों के मदद से कुछ काम निपटाने हैं तो वो भी कर सकते हैं। इन 2 दिनों में आपको काफ़ी रिलैक्सेशन होगी अपने उत्साह के विषय में कि हाँ वाकई मैं काम कर सकता हूँ, और कुछ कर्ज लोन होंगे तो वो भी पास हो जाएंगे। आपके माइंड का स्वामी शुक्र के साथ बैठा हुआ है सूर्य, और आप अभी फिलहाल सूर्य को जल चढ़ाए रखें और विवाह के योग नहीं बने सरकार आपके, और उल्टे पार्टनर्स के साथ आपको बना के रखनी है। कुछ भाग्योदयकारी संदेश आंखें पीछे लौट जाते हैं, इस बात की आपको टेंशन है। ये स्थिति जाके 24 जनवरी 2020 के बाद बदलेगी, उसके लिए मैं वीडियो डालूंगी कि शनि क्या कहते हैं। वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी अभी अस्त है, शुक्र के अस्त होने के कारण आपके कर्जों से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहे हैं, आपके मामा पक्ष से आपकी नहीं बनती है, आपकी पर्सनालिटी में निखार कम है। आप महालक्ष्मी के जाप करिए और अपनी पर्सनालिटी को निखारिए। ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडा विच्छे के जाप करिए। परिवार में आपके भ्रम है राहु के कारण, और ये जो बुध की स्थिति होगी उससे 2 दिन परिवार में सामंजस्य होगा, अचानक से कहीं से धन लाभ होगा परिवार के सपोर्ट से, और आपके माइंड के डिसीजन से भी हो सकता है, बच्चों की सपोर्ट से भी हो सकता है। ये 2 दिन आपके बच्चे अपने एडमिशन्स वगैरह के लिए ट्राई करें, या आप करें तो आपको फटाफट एडमिशन वगैरह मिल जाएगी। जब चतुर्ग्रही योग बनेगा फिर से आपके तृतीय में, तो एक क्योस है यात्राओं में जाकर लाभ ना होना, और कुछ होना, कुछ हाथ से निकल जाना, आपका सेटिस्फाइड ना होना ये कार्ड्स पर दिखाता है। आपके शादी के योग तो बने लेकिन शुक्र के अस्त होने के कारण अभी शादियां नहीं होंगी, तो अभी थोड़ा सा 1 से 2 महीना रुक जाइए। तबीयत को संभालना सर्वोपरि है आपको, किसी भी प्रकार की गांठ वगैरह, फोड़ा फुंसी वगैरह आए, नर्व्स की प्रॉब्लम हो तो उसका ध्यान दीजिए। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी बुध जो है वो 2 दिनों के लिए स्वस्थ होने जा रहा है, मार्गी होगा, उदय होगा, तब भी आप रिलैक्स होंगे। आपकी तबीयत का प्रॉब्लम, गले का प्रॉब्लम, वॉइस का प्रॉब्लम, आपके व्यवसाय का प्रॉब्लम, ये सब चल रहा है, लेकिन सडनली कहीं से आपको व्यवसाय के विषय में, घरेलू सुख सुविधा के विषय में और माता की तबीयत के विषय में अच्छी खबर आएगी। आपके जो चतुर्ग्रही योग फिर बन जाएगा उसकी वजह से भले आप पहले की तरह बेचैन ना हो, लेकिन फिर भी अपना धन संभाल लीजिएगा, घरेलू परेशानियों को बढ़ने मत दीजिएगा। आपके जो बिछड़े हुए हैं विवाहित जीवन में पार्टनर और आप एकदम अकेले फाइट कर रहे हैं अपने जीवन में, उसको सलाम करती हूँ मैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई ऑफर आता है शादी का तो आप आते 11 नवंबर के बाद ये शादी कर सकते हैं। आपके बच्चे और आपके प्रेम संबंध दोनों उदासी में हैं, आपके प्रेम संबंधों की वजह से आप काफ़ी उदास हैं। अगर आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें, माता के मंदिर को विजिट करें फ्राइडे को, कुछ स्त्रियों की हेल्प करें तो स्थितियां कंट्रोल में आएंगी। और आप अपना माइंड अगर परेशान होता है तो मेडिटेशन करें, माँ के आगे बैठ के करें, या माता का नाम लेकर दुर्गा सप्तशती के पाठ पढ़कर मेडिटेशन कर सकते हैं आप। कर्क राशि। कर्क राशि के लिए अब बुध का 2 दिन
निकल जाना आपके लिए काफ़ी रिलैक्सिंग होगा। आपको अचानक विदेश से रिलेटेड कुछ काम सूझ सकते हैं 2 दिन के लिए, और आपको इंडोर भी काम सूझ सकते हैं, यात्राएं सूझ सकती हैं। और लेकिन शुक्र के अस्त होने से आपकी माता को कष्ट है, आपको धन लाभ में कमी है, और आपके घरेलू परेशानियाँ हैं, बहुत ज़्यादा काम है माँ को, उनका तबीयत का ध्यान रखना सर्वोपरि है। अभी लग्न में सूर्य मंगल एक साथ होने से क्रोधी स्वभाव में अचानक से शांति हुई हुई है, क्योंकि शुक्र महाराज दबाते हैं आपको, और आप किसी प्रकार से चुप होकर डिप्रेशन में ना जाएं, अपनी तबीयत को संभालें, ये बहुत ज़रूरी है। आपके बच्चों से फुल सपोर्ट है आपको, और अगर कोई मित्र का प्रवेश होता है आपके जीवन में तो वो सुखद रहेगा। तबीयत को सर्वोपरि संभालना है आपको, किसी भी प्रकार से गलत खान पान मत कीजिए, पेट खराब होने की संभावना है। विवाहित जीवन में अभी आपको सुख सुविधा मिलेगी, लेकिन ठहर के 3-4 महीना, नहीं तो जब शनि मार्गी होंगे तब, और धन लाभ अभी रुका हुआ है। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी अभी अस्वस्थ है 16 अगस्त तक, उसके बाद तो पौबारा है, लेकिन फिर साथ ही शुक्र महाराज भी आ जाएंगे, तब के तब हम बात करेंगे। फिलहाल आप बेचैन और तबीयत ख़राब महसूस करते हैं, खर्च अनाप शनाप, विदेश रिलेटेड कामों में घबराहट, और साथ ही जो धन लाभ आता है आपको गिर गिर के, उसको संभाल लेना, क्योंकि वो राहु दे रहा है और किसी प्रकार से, और फिर आप जो उसकी कृपा से जो आता है आपको, वो आप इधर उधर विदेशों में, या आप मैं कह सकती हूँ इंडोर यात्राओं में वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा न कीजिए। बच्चों के साथ अनबन न कीजिए, उनकी तबीयत का ध्यान रखें, अपनी भी तबीयत का ध्यान रखें। कोई पढ़ाई के लिए उनको फोर्स मत कीजिए, जो अभी स्थिति बनी हुई है वो सितंबर के एंड में बदलेगी, काफ़ी कुछ रिलैक्सेशन आएगा माइंड में उनके भी, और विवाहित जीवन में भी, विवाहित जीवन में जो कटुता है सोच की वजह से वो भी बदलेगी। घरेलू सुख सुविधाएँ बनी हुई हैं, और शुक्र के अस्त होने की वजह से काम में मंदा है, और यात्राओं में भी जाने पर भी मंदा है। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी बुध अब 2 दिन के लिए रिलैक्स होने वाला है, और आपको अचानक से कोई काम का ऑफ़र, कोई टेक्निकल जॉब का ऑफ़र हो सकता है। आप अपना व्यवसाय बढ़ाने की सोच रहे हैं, थोड़ा रुक जाइए, जब बुध स्थायी हो जाएगा कहीं जाकर या कन्या में आकर तब करेंगे व्यवसाय। फिलहाल तो शुभ यात्राओं में कट रहे हैं आपके दिन, मंगल कार्य हो रहे हैं, घरेलू परेशानियां जस की तस हैं, माता की तबीयत का ध्यान रखना है। अपने पिता के साथ आप इन दिनों मीडिया से रिलेटेड काम कर सकते हैं। आपका माइंड बेचैन है, परेशान है, जिसके लिए आप कर सकते हैं महाकाल की पूजा, और शुक्र अस्त है तो काम भी कम और पैसे कम स्थिति बनी हुई है। आप दुर्गा सप्तशती के पाठ या महाकाली की आराधना कर सकते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी जो है वो अस्त होकर आपके अष्टम का भी स्वामी है, ध्यान रखें आपको तबीयत को बहुत संभालना है। शुगर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, मोटापे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, या जनन इंद्रियों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो स्त्रियों और पुरुषों दोनों में अपनी तबीयत का पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। पेट से रिलेटेड परेशानी भी, और हो सके तो आप दुर्गा माँ के मंदिर फ्राइडे को विजिट करें, नहीं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे। ये 2 महीने अभी आपके पराक्रम में बैठा शनि केतु भी आपको लेजी बनाता है, चिड़चिड़ा बनाता है, छोटे भाई बहनों से अनबन करवाता है, फिर भी परिवार आपका संभालता है, और किसी प्रकार से आप कंट्रोल में ले लेते हैं स्थिति को। अभी दशम में बैठा ये चतुर्ग्रही योग, जिसमें से बुध आएंगे अभी राहु के साथ, तो अचानक से आपको कुछ ना कुछ अच्छा ऑफर आएगा, उससे ग्रैब कीजिएगा, क्योंकि नहीं तो फिर हाथ से निकलेगा वो। और आपके जो केओस है काम में, उसके लिए आप नवग्रह की पूजा कर सकते हैं, नहीं तो प्रैक्टिकल हो सकते हैं, वैसे भी आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ हेल्प करेंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लग्न में बैठा गुरु अब उनकी शादी के योग तो पक्के करता है, लेकिन शुक्र के अस्त होने के कारण शादियां नहीं हो रही इन दिनों, और जब शुक्र उदय होंगे तब आप अपनी शादी की बात को आगे बढ़ा लीजिएगा। अभी फिलहाल बुध के अष्टम में आने से आपके पार्टनर्स के साथ कुछ अच्छी डील हो सकती है पैसों वाली, लेकिन वो भी इन्वेस्ट करने की, मतलब पैसा आपका इन्वेस्ट ही होगा, कुछ हाथ में नहीं आएगा आपके।
बच्चों से आपको सुख मिल रहा है, उनकी वजह से आप जो है कुछ कमा पा रहे हैं, कुछ सोच पा रहे हैं, और जो कुछ आ रहा है आपके पास वो जा भी उसी तरह रहा है। अभी तक आश्वस्त नहीं, बस घूमने फिरने में समय ज़्यादा निकल रहा है जो कि वेस्ट है। अभी 15 अगस्त तक रुकिए, उसके बाद आपको अच्छे अवसर काम के लिए आ सकते हैं और आप बेटर सोच सकते हैं अपने विवाहित जीवन और अपने अगर नहीं है तो प्रेम संबंधों के विषय में भी। अभी फिलहाल आप कीजिए गुरुवार के दिन महालक्ष्मी की आराधना। धनुराशि, धनुराशि के लिए लग्न में बैठा शनि केतु काम को स्लो डाउन करके आपकी पेशेंस की इंतहा ले रहा है, और आप महामृत्युंजय के जाप अगर नहीं करते तो बेकार में परेशान होंगे। आपके जो प्रेम संबंध बने हुए हैं वो झूठे हैं, क्योंकि आगे चल के जब लग्न में गुरु आएगा तब जो ऑफर होगी आपकी शादी के लिए 11 नवंबर के बाद, तब आपके रियल योग आएंगे और आपको समझ में आएगा कि आपको किससे शादी करनी है। अभी चतुर्ग्रही योग ने आपको क्योस की तरह काम करवाया, आपके पार्टनर्स के साथ आप काफ़ी मिल के काम किए लेकिन उसका कुछ फ़ायदा ना हुआ। अब बुध के दो दिन आने से आपके सप्तम में स्थिति बेटर होगी, विवाहित जीवन बेटर होगा, व्यवसाय बेटर होगा, आपके विवाहित जीवन के संबंधों से उनके सपोर्ट से आप काम बेहतर कर सकते हैं। अभी जो आपके पंचम स्थान का स्वामी, माइंड का स्वामी अष्टम में जाकर बैठा बुध के साथ, तो काफ़ी बेचैन हैं आप और आपके बच्चे, और कुछ आपको राह सूझ नहीं रही। तो मैं बताती हूँ श्री गणेश की आराधना करें, पढ़ाई और पढ़ाई से रिलेटेड या बुद्धि से रिलेटेड जितने काम हैं वो ठीक होंगे। शुक्र के अस्त होने के कारण धन लाभ जो हुआ है उसे संभाल लीजिए, और अपने बैंकों से रिलेटेड जो आपको कर्ज वगैरह मिलने वाले थे उसमें देर हो रही है तो घबराइए मत। मकर राशि, मकर राशि के लग्न का स्वामी जस के तस द्वादश में, और तबीयत का जो हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ रहा है वो एक चैलेंज है आपके लिए इन दिनों। वैसे भी अब शुक्र अस्त हो गए तो काम को संभालना और माइंड को संभालना, मेडिटेशन शुरू कर दीजिए, बच्चों के साथ बनाइए, उनको भी मेडिटेशन करवाइए, ओम बुलवाइए उनको, और साथ में आप अपना काम और अपना माइंड ठीक रखना चाहते हैं तो दुर्गा सप्तशती के पाठ कीजिए, रोज़ एक अध्याय पढ़िए, या ज़्यादा पाठ आप पंडित द्वारा करवा सकते हैं। आपके सप्तम में बैठा चतुर्ग्रही योग क्योस करता है आपको कि इससे शादी करनी चाहिए, उससे नहीं करनी चाहिए, या जो विवाहित जीवन है उससे फ़ायदा है नहीं है, बहुत सारी बातें सोचते हो आप, जिसमें से ये दो दिन आपको कुछ न कुछ फ़ायदा हो जाएगा। मिथुन में बुध आने से कुछ न कुछ आपको अच्छा संदेशा मिलेगा कि आपके कर्ज वगैरह पास हो रहे हैं, लोन वगैरह पास हो रहे हैं, और अभी फ़िलहाल जो वापस से बुध कर्क में आ जाएगा तो केओस कायम रहेगा, लेकिन आपको जो छिटपुट लाभ और भाग्य से रिलेटेड जो परेशानियां थी वो थोड़ी कम हो जाएंगी। अपना पैसा संभाल के रखिएगा आप, ये विनती, और परिवार में कलेश ना कीजिएगा। माता की तबीयत का भी आपको सर्वोपरि ध्यान रखना है, उनके ब्लड चेकअप्स वगैरह करवाते रहिएगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी बैठा तो स्थान बली लेकिन साथ में केतु के तो अस्वस्थ, आपके केतु महाराज जो हैं उनका उपाय अब शनि के साथ बैठने का कि महामृत्युंजय के जाप कीजिए, और मंगल भी इन दिनों नीच के चल रहे हैं तो आपका उत्साह भी कम हुआ हुआ है, काम कम हुआ हुआ है, बीच में आपका माइंड दो दिन सही चलेगा और आपको एडमिशन्स या पढ़ाई या बच्चों से विषय में कोई डिसीजन लेने हैं उनकी शादियों के लिए, कुछ भी इसी प्रकार के तो आप ले सकते हैं। आपको 15 अगस्त तक वेट करना चाहिए अपने विवाहित जीवन को ठीक होने के लिए, लेकिन उनका सपोर्ट अभी आपको कम है और अभी वो भी बेचैन है आपके ग्रहों के असर से। फिलहाल आप कोई पायस काम करके देखिए, उसमें फ़ायदा होगा आपको, जैसे धर्म से जुड़ा हुआ काम होता है कोई तो उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। धन लाभ जो आएगा कार्य से उसे समेट के रखिए, आपके परिवार की मदद से अगर आपसे जुटता नहीं तो, तो वो धन लाभ आपको आगे चल के 11 नवंबर के बाद काम आएगा। मीन राशि, मीन राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी बहुत ही स्वस्थ होगा 11 नवंबर के बाद, लेकिन उससे पहले भाग्य में बैठकर कुछ बातें तो संभालता है वो, कि आपका पर्सनालिटी को ठीक रखता है, आपके काम करवाता है, लेकिन जो शनि और केतु आपके पैसों से रिलेटेड गलत डिसीजंस दिलवाता है
प्रेम संबंधों में जो गलत डिसीजन दिलाता है उससे बचिए आप, क्योंकि आगे चल के फिर आपको लाभ ना होगा और नुकसान होगा। हालांकि शनि मकर में आएंगे तो तीसरी दृष्टि आपके ऊपर भी पड़ने वाली है, तो आपके डिसीजंस गलत होंगे तब। लेकिन फिलहाल मैं आपसे कहूँगी कि ये जो पैसा अभी आपको दे रहे हैं गुरु महाराज, येन केन प्रकारेण, आपको वो संभाल लेना है। नीच के मंगल ये पैसा आपके बच्चों पर खर्च करवा सकते हैं, या आपकी बुद्धि के कोई गलत डिसीजन की वजह से ये पैसा जा सकता है। अभी परिवार में कलह क्लेश है जो दो दिन के लिए रुकेगा, और आप अगर कोई वाहन खरीदना चाहें तो मिथुन के बुध में आप वाहन खरीद सकते हैं, आपके घरेलू रेनोवेशंस वगैरह का डिसीजन ले सकते हैं। शुक्र के अस्त होने के कारण आपको डायबिटीज़ से रिलेटेड परेशानी, या मोटापे से रिलेटेड परेशानी, या जननेन्द्रियों से रिलेटेड परेशानी, पेट से रिलेटेड परेशानी हो सकती है। पार्टनर्स के साथ बिगाड़िए मत, वो आगे चल के आपके काम आएंगे। मैं कामिनी खन्ना ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर बता रही थी आपको साप्ताहिक राशि भविष्य। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाइए, व्यवसाय बढ़ाइए, पर्यावरण को ठीक कीजिए और बुध की स्थिति को अच्छा कीजिए। कुंडली में वृद्धों की सेवा कीजिए, शनि राहु केतु की शांति अपने आप हो जाएगी। God bless you, take care and goodbye.